मैं इतना जानता हूं कि हवा पूरे प्रदेश में बदलाव की चल रही है। हर नगर का, एक गांव का, हर नागरिक ऊब गया है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, अन्याय से और हर तरह से वो आज परिवर्तन चाहता है। परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन की लहर अब पूरे प्रदेश में चल रही है। आदरणीय साथियों, क्योंकि लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी की लहर है, 4000 लोगों ने अपनी उम्मीदवारी दी, लेकिन चुनना था केवल 230। अब स्वाभाविक है सबको तो टिकट मिल नहीं सकता, फिर भी सर्वे के आधार पर निर्णय हुआ और आपके सामने ये चारों उम्मीदवार हैं। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि जब बदलाव होना ही है तो आप सब लोग अपने शहर में, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने मित्रों में पूरे तरीके से हम लोग इस बात की कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। इसलिए सबक सिखाएं कि जबकि पिछले चुनाव में 2018 में सरकार कांग्रेस की बन गई थी, ये जो अनैतिक धन, काले धन का उपयोग करते हुए करोड़ों रुपए में इनको खरीद लिया गया हमारे बिकाऊ उम्मीदवारों को, किसको उम्मीद थी कि हमारे महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी, जिन्होंने कि कांग्रेस के आधार पर टिकट मांगा, चुनाव लड़े, मंत्री बने, बड़े बड़े औहदे पे रहे, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाएंगे और भाजपा में मिल जाएंगे। ये भी अजीब बात है। अरे योद्धा तो वो होता है अगर हार जाए तो अपने विचारों से समझौता नहीं करता, अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता। और हारने के बाद भी अगली लड़ाई के लिए निकल पड़ता है, ये योद्धा होता है। वो व्यक्ति जिससे हारा हो उसी के शरण में चला जाए तो उसे योद्धा नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। झांसी की रानी। मैं साथियों को आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम बड़े निराश हुए जब जिन्होंने कि हमेशा से कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा, वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले। अब मौका है वापस 2023 में नवंबर 17 को आपको अपना वोट देना है। युवा, महिला, अनुजाति, जनजाति, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक सब परेशान है और इसमें हमें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे मिलजुल कर इस चुनाव लड़ें। सामान्य तौर पर कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो शहर और बड़े लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हर पोलिंग पे अपने घरों से जाते हैं। आज इसकी जरूरत नहीं है, संगठन आपका तैयार हो गया है, मंडल बन गया है, सेक्टर बन गए हैं, पोलिंग बूथ बन गए हैं। जो भी नेता हैं हमारे कांग्रेस के, उनको कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उनको अपने बूथ पर प्रचार करने की जरूरत है। अनेक बार मैंने देखा कि हम हैं बहुत बड़े नेता,
लेकिन अपने मतदान केंद्र पे हम कांग्रेस को नहीं जिता पाए। हमारी कोशिश यही होगी, हम ज्यादा भाग दौड़ का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तो पोलिंग बूथ पे चुनाव लड़ेंगे और पूरे तरीके से अगले 22 दिन में हर घर पर पहुंचेंगे। हर घर में दो बातें हैं, एक तो आपको उन्हें बताना है कि इनके 18 साल के कार्यकाल में कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसके बारे में आरोप पत्र हमारा तैयार है, कांग्रेस पार्टी आप तक घर तक पहुंचाएगी। और दूसरा, अगले 5 साल में कांग्रेस पार्टी क्या वादा करती है वो आपको पहले घर घर में पहुंचाना है। आपको और ज्यादा कुछ नहीं करना, घर घर जाओ, नमस्कार करो, बुजुर्गों के पैर छुओ और कहो कि ये आरोप पत्र है 18 साल का काला चिट्ठा भारतीय जनता पार्टी का, और हमारी सरकार आती है तो ये हमारे वादे हैं, और वादे अगर पूरे ना हो तो 2028 में आप हमारे हिसाब ले लें। बात समझ लीजिए, हम में और इनमें क्या फर्क है। कमलनाथ जी ने यह वादा किया था कांग्रेस ने कि हम चुनाव जीतने के बाद किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, और पहले दिन उन्होंने शपथ लेने के बाद पहला आदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करेगी, और लगभग 27 लाख लोगों के कर्जे माफ हुए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि कर्जा माफ नहीं हुआ। जयवर्धन ने विधानसभा क्वेश्चन पूछ लिया बाबा साहब ने, तो जो झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ, उन्हीं के कृषि मंत्री ने कहा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और यही नहीं, शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत के उनके परिवार के लोगों का नाम भी कर्जा माफ होने की सूची में था। अब आप बताओ किसकी बात माने। अब दूसरी तरफ शिवराज सिंह जी को लाडली बहना अब याद आ रही है, अभी तक क्या कर रहे हैं? 18 साल तक आपने बहनों को अपना लाड क्यों नहीं बताया, अब आप उनको लाड़ बता रहे जब चुनाव आ गया। इसी के साथ साथ हर रोज कोई घोषणा, कांग्रेस पार्टी ने हिसाब लगाया 18 साल में 21,000 घोषणाएं शिवराज सिंह चौहान ने की हैं जो पूरी नहीं कर पाए। अब ये लोगों को धोखा देना नहीं तो उसको आप क्या करेंगे, इसलिए धोखेबाजों से बचिए और अपने घर में, गांव में, मोहल्ले में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने पड़ोसी को समझाइए, जो लोग आपके पास बैठते हैं उनके साथ बैठिए, चाहे कि होटल पर, बस स्टैंड में, शादी में, ब्याह में, और उनसे एक ही बात करिए कि भाजपा की उपलब्धियां बता दीजिए और कांग्रेस की हम आपको बता देते हैं, हम बता देंगे कितना भ्रष्टाचार हुआ। मैं जब मुख्यमंत्री बना मैंने वादा किया था किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी, दी के नहीं दी, पहले दिन से हमने चालू कर दिया। मैंने कहा था गरीबों के मोहल्ले में एक बत्ती कनेक्शन दिया जाएगा, दिया के नहीं दिया। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा, दिया के नहीं दिया। जो जो वादे किए थे हमने निभाए, पंचायती राज दिया, अधिकार दिया। आज ये है सरपंच बेचारा लाखों रुपए खर्च करके चुनाव जीत के आता है लेकिन कोई काम मंजूर नहीं करा सकता। अब एक पंचायत मंत्री यहां गुना का बना था, वहां चेकलिस्ट लगी थी कि पैसे दे जाओ और आदेश ले जाओ। अब मैंने उनका एक रथ देखा,
ईमानदार पंचायत के लिए पैसा लो और मंजूरी दो। दूसरी तरफ एक गृह मंत्री ऐसे थे यहाँ के जिन्होंने की लिस्ट में लिखा रखा था कि बंदूक का लाइसेंस इतने रुपए में और रिवॉल्वर का इतने रुपए। पहले था रेट 2 लाख, चुनाव आने लगा तो 3 लाख और चुनाव आने के आसपास हो गए थे 5 लाख। मुझे एक भाजपा का नेता मिला, उसने कहा कि साहब हमारे पास एक हमारा मित्र आया कि भैया लाइसेंस दिलवा दे। तो उसने कहा कि चल मैं दिलवाता हूं मंत्री जी से। मंत्री जी के पास गए और मंत्री जी के पास जाके उन्होंने कहा कि हमें इनको भाई हमारे खासम खास से लाइसेंस दे दो रिवॉल्वर का। हाँ उनका मिल जाएगा, फला फला कर्मचारी से मिल लिया। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं मिला। फिर गए नहीं मिला, फिर गए नहीं मिला। फिर अधिकारी ने बुलाया कि बेटा ऐसे नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए ले आओ और लाइसेंस अभी शाम को ले जाओ। ये है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार। ऐसे अनेक है इतिहास, इन पर तो पूरी इनके भ्रष्टाचार की किताब लिखी जा सकती है। इसलिए परिवर्तन लाओ, बदलाव लाओ। अरे घर में रोज एक ही खाना खाते 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 बदलाव चाहता है। इसलिए आप सब से मेरी प्रार्थना है, मैं ज्यादा प्रचार प्रसार करने नहीं आने वाला, ये सब काम आपका है। आप सब होशियार है, राजनीतिक व्यक्ति हैं, समझते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार में भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े विज्ञापन देती है, जनता के पैसे से विज्ञापन देती है, हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन उन्होंने बांट दिए। लेकिन गरीबों का जो 300 रुपए का पेंशन ये नहीं बढ़ा पाए जो कमलनाथ जी ने बढ़ाए, आज भी उनको उतना ही नहीं पाए। साथियों इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, आप यहां से अपना संदेश लेकर जाइए और चारों हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, उन सब से कहिए आप चारों उम्मीदवार अपने अपने नेताओं को, अपने अपने कार्यकर्ताओं को, जैसा छोटे साहब ने मुझे बताया कि एक पोलिंग जिस वहां पे वोट डालते हो और एक बगल का पोलिंग, दो पोलिंग संभाल लो और उसके बाद पता लगेगा कि हमारा नेता कितना बड़ा है कितना छोटा। इसलिए आपको गुना के किसी नेता को बमोरी फतेहगढ़ में प्रचार करने जाने की जरूरत नहीं। राघोगढ़ आरोन के नेताओं को दूर दराज गांव में प्रचार करने जरूरत नहीं है। हमारे उस गांव में लोग बाग हैं, वो हमारे प्रचारक हैं, वही लोग काम करेंगे। उनको सहूलियत दिलवाइए, पैम्फलेट दीजिए, घर पर जाइए, एक पैम्फलेट आरोप पत्र का, एक पैम्फलेट हमारे वादों का। मुझे आज मालूम पड़ा है बड़े पैमाने पे सूखा पड़ा हुआ है, बिजली की दिक्कत आ रही है, डीपी लगवाने के मामले में बड़ा संकट है, वसूली धनाधन हो रही है। अरे हमारा वादा तो यह है कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, जितना भी बकाया बिल है बिजली का वो माफ करने का हमारा वादा। मेरी अभी तहसील साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि बिजली की डीपी अगर जल गई है तो उसे बदलने के लिए 10% जमा करवा दो बकाया, और अगर ज्यादा बिल है तो फिर 50%। ठीक है आपके जो नियम बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाजपा के नेताओं के लिए एक बिल और कांग्रेस के नेताओं के लिए अलग रास्ता। मैं थोड़ी सी बात
अपने राघोगढ़ के भाजपा के उम्मीदवार के लिए भी कहना चाहता हूं, ये कौन है ये? कौन है ये? ये वही है जिसने सब कुछ हमसे पाया है। बचपन से लेकर आज तक इनको जो कुछ मिला है हम लोगों से मिला है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? अब निर्णय आपको करना है। बाकी चुनाव जो हो रहा है, अब आपसे यही प्रार्थना है, बदलाव की लहर है, बदलाव कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।